नमस्कार दोस्तों, आज के न्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया में अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज घोषित कर दिया है 24 जून की। जो कि कमिश्नर है फाइनेंस सर्विस कमीशन के FSC के साउथ कोरिया के, अभी डिक्लेयर किया है ऑफिशियली कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को वो लीगलाइज करने जा रहे हैं। और जितने भी बैंक्स हैं उन सबको बता दिया है कि साउथ कोरिया इसकी जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसी है और जो भी राष्ट्रीय कमीशन है इसका, उन सब को क्रिप्टो करेंसी के जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उन पे आपको अगर जुड़ना है तो पहले KYC कीजिए, और जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम है डिजिटल एसेट्स का उसके बारे में भी अभी ये काम कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग ना हो आने वाले टाइम में। जितने भी बैंक हैं वो वर्चुअल बैंक अकाउंट, जो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी है उसको जो बैंक अकाउंट्स है उसकी जो नेशनल करेंसी है उससे कन्वर्ट करने के लिए भी बातचीत कर चुके हैं कि आप बैंक के माध्यम से भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर चुके हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप। ठीक है, साउथ कोरिया की जो क्रिप्टो एक्सचेंज है काफ़ी पॉपुलर है इंटरनेशनली, और क्रिप्टो इन्वेस्टर जितने भी हैं अभी ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव हैं जितने भी है वहाँ पे। और साउथ कोरिया ने अभी एनकरेज किया है सभी बैंक को कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साथ आप काम कीजिए, और जो भी मनी लॉन्ड्रिंग की जो पॉलिसी है, जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं उसके ऊपर आप निगाह रखिए, और गवर्नमेंट उससे टैक्स लेगी। जितने भी जो क्रिप्टो ट्रेडर्स है यूज़ करते हैं क्रिप्टो करेंसी वो अपना इनकम टैक्स फाइल अप करेंगे और यूज़ करेंगे। ठीक है, सो अभी पब्लिक स्टेटमेंट उन्होंने ऑलरेडी रिलीज़ किया जा चुका है और गवर्नमेंट की तरफ से जो लोकल फाइनेंशियल अथॉरिटी है जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में काम कर रही है और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज वहाँ पर बढ़ सकती है, तो वो अभी डिस्कशन उनका चल रहा है। सबसे पहले आपको KYC वहाँ पे करनी पड़ेगी, जितने भी जो एक्सचेंज है गवर्नमेंट अप्रूव एक्सचेंज है और जो कि बैंक से डायरेक्ट कनेक्ट है, आप ट्रेडिंग करके बैंक में आप अपना पैसा वहाँ पे ले सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जो फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और साउथ कोरिया में जो ब्लॉकचेन एसोसिएशन है जो कि कंट्री की लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिनकी जैसे बिटथम, अपबिट, गोपैक्स, कोरबिट, क्वाइन वन, ये गवर्नमेंट लीगलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव है, साउथ कोरिया की गवर्नमेंट से, और यहाँ पे आप KYC आपको करना पड़ेगा और बैंक से आपको अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप पेमेंट उनकी जो नेशनल करेंसी है वहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों। और अगस्त में इनकी मीटिंग हुई थी अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड IT की, और जो लोकल पब्लिकेशन है वो उन्होंने अपबिट, बिटथम, कोरबिट, क्वाइन नी, क्वाइन लिंक, क्वाइन वन, क्वाइन प्लग और हॉबोई जितने भी जो फेमस एक्सचेंज है उनको बता दिया गया है कि लीगल हो चुका है, और साउथ कोरिया का जो क्रिप्टो एक्सचेंज मार्केट है वो रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अभी बिटथम जो कि कंट्री की सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज है उसने भी जितने भी बैंकों की जो ऑप्शन है वो स्टार्ट कर दिए हैं, उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया है, और जो कन्फ्यूज़न था वो काफ़ी हद तक दूर हो चुका है। जैसा कि गोपैक्स एक्सचेंज था जो कि कंट्री की सेकंड लार्जेस्ट है, जो कि कमर्शियल बैंक शिनहान से जुड़ी हुई है गोपैक्स क्रिप्टो एक्सचेंज, तो इस तरह से काफ़ी एक्सचेंज है वो आने वाले टाइम में जुड़ने की संभावनाएँ हैं पूरी पूरी, और कोरियन पब्लिक के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो आने वाले टाइम में जितने भी एक्सचेंज है इनका जो बूम है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग का वो देखने को आपको मिलेगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी दोस्तों, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और हमें सोशल मीडिया पर सब्सक्राइब कीजिए फॉर करंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।